चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 स्थित गंभर पुल के समीप एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं ट्रक ने कार को इतनी जोर से टक्कर मारी कि कार कुछ मीटर आगे तक रगड़ते हुए चली गई, जिसमें कार में सवार एक परिवार के 6 लोग व सड़क के किनारे खड़े अन्य 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। गौरतलब है कि इस सड़क हादसे में 4 मासूम बच्चों सहित कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर लाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं इस दौरान घायल बच्चे को लेकर एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिली। घायलों के परिजनों का आरोप है कि गंभीर रूप से घायल बच्चे को क्षेत्रीय अस्पताल से पहले एम्स रेफर किया गया, जिसे वहां से बिना देखे ही वापस क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेज दिया गया था, जिसके बाद घायल बच्चे को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। परिजनों का कहना है कि घायल बच्चे को गोद में लेकर उसकी मां 2 से 3 घंटे तक यूं ही भटकती रही, मगर उसका सही से इलाज तक नहीं हो पाया, जो एक बड़ी लापरवाही है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी राजकुमार ने कहा कि इस सड़क हादसे में ट्रक चालक की लापरवाही नजर आ रही है और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पवन कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ। सर, एक्चुअली यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, मेरे मामा जी के लड़के हैं, इनका पूरे परिवार था। यहाँ एक बच्चा था, 2 साल का बच्चा है, यहाँ से रेफर किया एम्स के लिए। सबसे पहली बात तो है, यहाँ भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ बच्चे का। जब यहाँ से हमारे को रेफर कर लिया एम्स बिलासपुर के लिए, तो ना तो वहाँ रिसीविंग हुई, ना ही हमारे बच्चों को कोई ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ से फिर से हमारे को बिलासपुर के लिए भेजा जाए। बच्चों को 2 घंटे हो गए सर ऐसे घुमाते घुमाते, कभी बिलासपुर कभी एम्स के लिए, ऐसा कर रहे हैं ये। ना तो कोई ट्रीटमेंट हुआ बच्चे का, ना ही कुछ नहीं हुआ सर। अभी पीजीआई के लिए बोल रहे हैं, अभी पीजीआई के लिए रेफर कर रहे हैं, उसके बाद अभी भी कुछ नहीं हुआ इसका। अगर बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ भी कोई भी बात हो जाती है, कौन जिम्मेवार होगा इसका? पुलिस स्टेशन सदर में दिन को 3:15 के आसपास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि गंभर पुल के पास एक ट्रक ने जो है एक छोटी गाड़ी को टक्कर मार दी है, जिसमें लोग जो है घायल हुए हैं, जिस पर पुलिस थाना सदर की टीम तथा वहाँ उस बीट में गंभर पुल वाली बीट में हाईवे काम कर रहा है, वो लोग जो है मौका पर पहुँचे और जो घायल है, घायलों को जो है वो जो गाड़ी में भी कुछ फंसे हुए थे उसमें से निकाल कर जो है उनको RH बिलासपुर के लिए 108 को बुलाकर जो है RH बिलासपुर के लिए उसको उनको तुरंत भेजा। एक आदमी को जो है वो स्वर घाट के लिए भेजा था, उसे भी यहीं पर जो है वो रेफर किया गया है। तो इसमें कुल जो एक ही फैमिली के जो है वो 6 लोग हैं, जिसमें हस्बैंड वाइफ और 4 उनके बच्चे हैं जो गाड़ी में थे, तथा इसके अलावा जो बाहर भी लोग खड़े थे उनमें से 2 लोग जो है वो भी घायल हुए हैं। कुल 8 लोगों को इसमें चोटें आई है, जिसमें जो 7 लोगों का जो है यहाँ पर RH में ट्रीटमेंट चला हुआ है, तथा एक छोटे बच्चे को जो है इसमें हायर सेंटर के लिए जो है रेफर किया गया है। और पुलिस टीम वहाँ पर मौका पर मौजूद है। जो ट्रक था उसको डिटेन कर लिया है, ट्रक ड्राइवर को भी डिटेन कर लिया गया है, और उसके खिलाफ भी जो है वो आइंदा जो है सदर थाना में जो है कार्रवाई की जा रही है। जो भी लीगल प्रोसेस है उसको कार्रवाई की जा रही है। आज मैंने भी यहाँ मौका का जो है वो घटनास्थल और यहाँ हॉस्पिटल का मुआयना किया है, तो सभी से पूछताछ की है। तो इसमें कुल मिला के जो अभी हमारे पास यही ध्यान आया है कि ये जो हादसा है, ये जो ट्रक चालक है जो पंजाब का है, संगरूर का रहने वाला है, तो उस ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से आना मालूम हो रहा है। फिर भी इसमें जो भी लीगल प्रोसेस है उसमें कार्रवाई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नैना देवी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेश सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9481803537 पर कॉल करें।